हेलो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, होपिंग फाइंग एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है हेडर्स एंड फुटर पे, कैसे हम हेडर फुटर्स पे काम करते हैं, हेडर फुटर्स कितने तरीक़ों से हम डाल सकते हैं, इसके अलावा हेडर फुटर पे काम करते वक्त हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, और हेडर फुटर के अंदर हम कौन कौन से ग्राफिकल एलिमेंट्स और भी एलिमेंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैनुअल मेथड पे आ जाते हैं, और मैनुअल मेथड पे आने से पहले थोड़ा सा हम हेडर फुटर की बात कर लें। हम हेडर फुटर डालते क्यों हैं? अगर मुझे कहा जाए कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बार बार पेज पे रिपीट करनी है उसके टॉप के ऊपर, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हेडर कहते हैं, और जो पेज के नीचे वाला जो होता है इसका पोर्शन को फुटर बोल रहे होते हैं। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट या कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर, पेज नंबर मैं डालना चाहता हूँ रिपीट हो अगले पेज के ऊपर, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो कंटेंट को हेडर पे डालूं या फुटर पे डालूं। हेडर पेज के ऊपर का हिस्सा, फुटर पेज के नीचे का हिस्सा। मैन्युअली डालना होता है तो बहुत आसान है कि ये जो मार्जिन का हिस्सा होता है, आपको पहले शुरू में बताया था लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम, अगर आप यहाँ पे जाएं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें इस वाइट एरिया के ऊपर, तो आप ये देखिएगा आप इस वक्त हेडर के पोर्शन पर गए। हेडर ऊपर पेज के ऊपर का पोर्शन और फुटर जो है पेज के नीचे का पोर्शन। और सेकेंडली आप एक बात नोट कीजिएगा, जैसे ही आपने क्लिक करा तो एक अलग से टैब आ गया, डिज़ाइन टैब, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्चुअल टैब भी कहते हैं उसको, ये यहाँ पर आ गया। ये मुझे बता रहे हैं कि हम ऑप्शंस पे, इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हेडर फुटर के अंदर मुख्तलिफ कॉन्टेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी चीज़ ये कि आप डाल कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। उससे पहले ये वो एरिया, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। जैसे ये एरिया जो है इस वक्त बता रहे हैं कि हेडर फ्रॉम टॉप 0.2 है, फुटर जो है वो 0.5 है। तो आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से 0.34 करा, ये बड़ा हो गया, सीधा मैं और बड़ा करता जाता हूँ, तो ये देखिएगा ये सारी चीज़ें बड़ी हो रही हैं। ये 1 हो गया, नीचे वाला 0.5 हो गया, ठीक है। तो मैं दोबारा 0.5 कर लेता हूँ, तो ये तो हो गया साइज़ के, आपको साइज़ चाहिए होता है। नॉर्मली हम 0.5 पे काम कर लेते हैं, आपको ज़्यादा करना चाहें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा ALS, और उसके बाद मैं इससे बाहर निकलना चाहूँ तो मैं एस्केप की भी दबा सकता हूँ, ठीक है, एस्केप की कीबोर्ड से दबा दूँ, या मैं बाहर किसी डॉक्यूमेंट पर जाके डबल क्लिक कर लूँ तो मैं इससे बाहर निकल आऊँगा। तो आप देखिएगा ये ALS, और ये हर पेज के ऊपर रिपीट हो रहा है। इसी तरह मैं बॉटम पे आ जाऊँ, फुटर पे एक्टिव हो जाता हूँ, और मैं यहाँ पे कर दूँ प्रोटेक्ट वर्ड, ठीक है। अब ये हेडर का हिस्सा हो गया और ये फुटर का हिस्सा हो गया। ये आपने मैन्युअली डाला, आपने क्लिक किया और आपने यहाँ पे एलिमेंट जो भी डालना था आपने टाइप कर दिया, आपने बेसिकली सारा काम मैनुअल करा कि डबल क्लिक करके मैनुअली डाला आपने हेडर फुटर, और आपने इसके अंदर खुद से टाइप कर लिया। अच्छा, अब आप देखिएगा ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले अगर मैंने सबसे पहले हेडर डाला है और हेडर के अंदर मैंने टाइप करा है और फुटर के ऊपर टाइप करा है, तो मैं यहाँ पर आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ हेडर के ऊपर, और मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ हेडर, ठीक है। रिमूव करना हो तो आप क्लिक करके रिमूव हेडर कर लें, तो हेडर रिमूव हो गया। इसी तरह फुटर को रिमूव करना चाहते हैं, आपने फुटर को रिमूव कर लिया, तो अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, जैसे पहले था ये वैसे ही है। अच्छा, नॉर्मली जो ये मैनुअल तरीका था, अगर जो न्यू यूज़र्स हैं आते हैं वो हेडर फुटर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रीसेट्स बने हुए हैं हेडर एंड फुटर के। ये हेडर है, फुटर है, इसके अलावा पेज नंबर है, ठीक है। हेडर पे मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है मुख्तलिफ किस्म के हेडर, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्लिक करता हूँ। अब आप देखिएगा ये मुख्तलिफ किस्म के हेडर हैं, अगर आप देखें तो इनमें किसी में टाइटल्स हैं, किसी में डॉक्यूमेंट टाइटल है, किसी में आपके पास ग्राफिक्स भी आ रहे हैं साथ में डले हुए, शेप्स वगैरह, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपने कहा कि मैंने यहाँ पे ये डाल लिया डॉक्यूमेंट टाइटल, आपने क्लिक करा, आपने कहा वर्ड फॉन्ट्स, ठीक है, 2019। अब आपने ये क्लिक करा, ये प्रीसेट आपने बना के डाला है, अब आप खुद भी बना सकते हैं, अभी हम खुद भी बनाना सीखेंगे कि आपने क्लिक किया ये आ गया आपके पास यहाँ पे, तो ये आपके पास हेडर था। हेडर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने हेडर डाल लिया, ये वही चीज़ ऑप्शन आ गए जो आपने इंसर्ट में जाके डाले थे। इन शॉर्ट के आप इंसर्ट से भी हेडर फुटर डाल सकते हैं, ठीक है, या डबल क्लिक करके भी हेडर फुटर डाल सकते हैं, यहाँ से डालें, वहाँ से डालें,
बात एक ही है, यहाँ पे ये आपके पास टेम्पलेट आ रहे हैं, प्रीसेट्स आ रहे हैं, ये आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप दोबारा डिज़ाइन में जाएं और हेडर पे क्लिक करें और आपके पास जो है वो यहाँ पे हेडर आ रहा है। आपको ये नहीं चाहिए, आपको कोई और चाहिए तो आप ये क्लिक कर लीजिए। अगर आप माउस का जैम दे रहे हैं तो वो आपसे बोलेगा कि भाई ये डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड लाइन डाल दें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहे हैं, जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। या कोई डाला हुआ है वो बोले माउस के जैम के अंदर जैम दे लें, वो कह चेंज कर दो, तो वो आपने डाला हुआ है वो कहेगा ये चेंज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर वगैरह भी आना स्टार्ट हो गए, 01 वगैरह। तो ये हमारे पास बेसिकली ये था कि मैंने यहाँ पे हेडर डाला। हेडर की आपके पास एक और चीज़ आ रही है आपके पास, कि ये सारे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे साइजेस देखिए सारे। इसी तरह फुटर पे आ जाएं, फुटर पे आपको कौन सा फुटर चाहिए वो यहाँ पे आ जाइए। आपने कहा मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, डेट का आ रहा हमारे पास, ठीक है। इन कंटेंट, इसके अंदर कोई भी कंटेंट डालना चाहे डाल सकते हैं, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इस पे जाता हूँ, तो ये मेरे पास हेडर फुटर आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ, क्लिक करता हूँ, ऊपर आता हूँ, तो दिस इज़ हेडर एंड दिस इज़ फुटर। डिज़ाइन में चला आता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, इसी तरह आप यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं कि अगर आप हेडर पे काम कर रहे हैं तो आपको फुटर पे जाना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप स्क्रॉल करें, आप यहाँ पे गो टू फुटर पे चलें, ठीक है। तो ये आपके पास आएगी गो टू हेडर, गो टू फुटर। अच्छा, अब आपको ये डालने का तरीका आ गया कि हेडर फुटर कैसे डालते हैं, उसका साइज़ कैसे बड़ा करते हैं, ये एरिया जो आपने गिवन करा है हेडर को और फुटर को, ये भी बड़ा करना। इसके अलावा आपको बाहर से निकलना, स्केप भी दबा डबल क्लिक कर लें, या यू कैन ऑल्सो प्रेस क्लोज हेडर एंड फुटर, क्लियर है। आपने टेम्पलेट भी डाल लिए, ये जो टेम्पलेट बने वाले हैं, आपने हेडर फुटर को इंसर्ट भी कर लिया, आपने उनको उड़ा भी दिया, आपने इनको रीअप्लाई भी कर लिया। आपने ये अप्लाई करा था, आपने डिज़ाइन कोई और चेंज कर लिया, तो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो किसी और चीज़ में चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, और डिज़ाइन में जाने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं हेडर को भी उड़ा देता हूँ, रिमूव हेडर, और इसी तरह मैं फुटर में भी रिमूव फुटर कर लेता हूँ। तो मेरे पास इस वक्त ना हेडर है ना फुटर है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जो कि टेम्पलेट डॉक्यूमेंट है वर्ड का, जो कि आपको फोल्डर में प्रोवाइड करा गया है, इसके अंदर 8 पेजेस हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे दोबारा से हेडर के पोर्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं डिफरेंस फर्स्ट पेज, ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये हम अब उसके हेडर फोटोज का ऑप्शन देख रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे डिफरेंस फर्स्ट पेज का मतलब है कि ये जो पहला पेज है इसके ऊपर कोई और हेडर डाल दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ से करी डिफरेंस फर्स्ट पेज। अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ls, ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ls2। तो आपको पता चल गया होगा कि हुआ क्या, कि जो पहला पेज था, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट करा हुआ था डिफरेंस फर्स्ट पेज, पहले पेज के ऊपर अलग डला हुआ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कि यहाँ पे अलग हेडर डला हुआ है और फुटर भी अलग डला हुआ है। मैंने कहा कि ek, अब आपको पता चला होगा जो पहले पेज के ऊपर हेडर फुटर डला है वो बाकी पेज पे नहीं है। बाकी पेज पे जो हेडर फुटर डला हुआ है ls2 और pk2, ये सब पे चल रहा है। इसको मैं और भी दिखाता हूँ आपको क्लियरली। मैंने व्यू में आके मल्टीपल पेज करा, ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब आपको पता चलेगा ये मेरा पहला पेज था, मैंने यहाँ पे हेडर फुटर में करा डिफरेंस फर्स्ट पेज। तो डिफरेंस फर्स्ट पेज में क्या होगा, पहले पेज के ऊपर आपने अलग से हेडर फुटर डाल लिया, ये अलग हेडर फुटर है पहले पेज का पीके और एलएस, और दूसरा जो पेज है उसके ऊपर अलग हेडर और फुटर ls2 और पीके, और उसके बाद वही सारी चीज़ें कंटिन्यू जो है ना वो सबके ऊपर चलते चले आ रही हैं, क्लियर है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है कि हम उसको कभी कभार इस्तेमाल भी करते हैं इस सेंस के अंदर कि हम ये टाइटल पेज है फॉर एग्जांपल, उसके बाद ये कवर टाइटल पेज है, तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसके ऊपर हेडर फुटर डालूँ ही ना। ये कवर टाइटल पेज है और मैंने कहा कि मुझे इसके ऊपर कुछ डालना ही नहीं है, तो ये पहले पेज के ऊपर कोई भी हेडर फुटर नहीं है, ये किताब का पहला पेज है, बुक खुलेगी इसके बाद फिर से ये पेजेस आते रहेंगे सारी चीज़ें, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएँ तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है डिफरेंस फर्स्ट पेज को, मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अब डिफरेंस ऑड एंड ईवन पेज।
डिफरेंस ऑड एंड इवन पेयर से क्या मुराद है कि ये मेरे पास इवन हो गया, ये मेरे पास जो है ना वो ऑड हो गया, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8। तो अगर मैं कहता हूँ कि इवन और ऑड अलग डालूँ, देखिए आपको पता चल रहा है इवन एंड ऑड। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे आप डाल दें पी के 1 और यहाँ पे आप डाल दें पी के 2, 3। तो आप ही देखिएगा यहाँ पे जो मैंने पी के 1 पी के 2 डाला, तो ये मेरे पास अगर आप चेक करें ये इवन इवन पेज के ऊपर जो फुटा डाला है, तो ये पेज नंबर आप इसको कह लीजिए 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5 ये इवन हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो ये पेज नंबर 2 आ रहा है डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये वाला, तो ये ऑड पेजेस। तो इन शॉर्ट के आमने सामने मिरर पेजेस हैं, इसके ऊपर अलग हेड फुटर आप डालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी किताब बना रहे हैं जिसके अंदर आप यहाँ पे इमेजेस हैं, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे कुछ और फुटर डालना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ डालना ही नहीं चाह रहे और यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है इन शॉर्ट के, इसको मिरर पेजेस के ऊपर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आमने सामने वाले पेजेस पे काम करने के लिए हम इवन और ऑड को कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बुक मेकिंग के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। क्लियर है? अब आ जाते हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़, वो ज़बरदस्त चीज़ ये है कि हम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल हेडर फुटर भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से रिमूव हेडर और फुटर कर लेता हूँ सारे मेरे पास। तो मेक श्योर कि हमारे पास कोई भी नहीं है, हमने सब जगहों से उड़ा दिया हेडर फुटर वगैरह। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बेसिकली करना क्या है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर दो हेडर फुटर डालने हैं, उससे ज़्यादा डालने हो। तो आपको याद होगा हमने इससे पहले टॉपिक सेशन में ब्रेक्स का करा था क्लास 16 के अंदर। तो मुझे अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल हेडर फुटर डालने हैं तो मुझे सेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे इस डॉक्यूमेंट को इन शॉर्ट सेशन में ब्रेक करना पड़ेगा। मैं इस वक्त यहाँ पे आता हूँ शेयर एंड कॉलबेशन के ऊपर, ये पेज नंबर 3 है, और मैं आपको फिर दोबारा बोलता हूँ कि व्यू में जाके आप इसको मल्टीपल पेज करके जूम कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से काम करने में आसानी हो। आप एक पेज पे काम करेंगे तो आपको लुकअप करने में मुश्किल होगी कि हो क्या रहा है हेडर फुटर के अंदर। तो यहाँ पे मैं शेयर एंड कॉलबेशन पे आता हूँ और उसके बाद मैं लेआउट में जाता हूँ, ब्रेक में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेशन ब्रेक नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये पेज ब्रेक हो गया मेरे पास। अब मैं हेडर फुटर के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और दिस टाइम मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके एक पिक्चर डाल देता हूँ। इंसर्ट में गया, क्लिक किया, मैंने यहाँ पे एक लोगो डाल दिया। इस लोगो को मैं थोड़ा सा फ्रीली मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पुरानी सेटिंग इधर क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने डिफरेंस ऑड पेजेस को करा हुआ है। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले और अब फिर मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, पिक्चर पे जाता हूँ, ये डाल देता हूँ। अब आपको सब जगहों पे जो है ना ये नज़र आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आ गया मेरे पास। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसके ऊपर, अब आप कोई और बात बताता चलूँ कि हेडर फुटर के अंदर दुनिया जहाँ का कोई भी कंटेंट जो वर्ड पे आप डाल ले होते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइन में आप डाल लें, वही सब चीज़ें डाल लें। तो मैं होम पे जाता हूँ, मैं इसको यहाँ से अलाइनमेंट करता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय एलएस। ठीक है, ये मैंने हेडर डाली, फुटर डाल लिया। अच्छा अब आप देखिएगा हो क्या रहा है कि ये हेडर फुटर हम जिस तरह नॉर्मल डालते हैं वो डला हुआ है हमारे पास यहाँ पे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ हेडर फुटर अलग होना चाहिए, यहाँ तक का अलग और यहाँ का अलग। तो मैंने सेशन ब्रेक यहाँ से कर था, पेज को जो डॉक्यूमेंट को जो ब्रेक कर रहा था वो थर्ड पेज से कर रहा था। और अगर आप डबल क्लिक करें यहाँ पे आके तो आपको पता चल रहा है कि ये फुटर और हेडर जो है वो सेशन नंबर 1 का है, सेशन नंबर 1, उसके बाद पेज नंबर 3 से सेशन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस का। लिंक टू प्रीवियस ये होता है कि
अगर आप हेडर फुटर दूसरे सेशन पे डाला हुआ है आपने और आप ये चाहते हैं कि वो लिंक ब्रेक हो जाए, दूसरे सेशन का लिंक पहले वाले लिंक से ब्रेक हो जाए, तो लिंक टू प्रीवियस करते हैं। यहाँ पे अभी एक्टिव है क्योंकि अभी ये डीएक्टिव है क्योंकि आप सेशन वन के ऊपर हैं। सेशन वन से पहले तो कोई सेशन नहीं डला हुआ था, इसलिए ये सेशन किसी से लिंक नहीं हुआ हुआ। अब जैसे ही मैं सेशन नंबर टू पर आके क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये बता रहेगा भाई ये सेशन जो है हेडर का, ये सेशन टू जो है वो सेशन वन से लिंक हुआ हुआ है, तो इसको अनब्रेक कर दो। तो मैं यहाँ पे कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे जाता हूँ लिंक टू प्रीवियस को क्लिक करूँगा तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा वहाँ से, और मैं यहाँ पे जाके इसको मिटा देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और मैं यहाँ पे भी जाके इसके ऊपर और ये क्लिक कर देता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पहले सेशन के ऊपर हेडर अलग है और फुटर भी अलग है, और जो सेशन नंबर टू है उसके ऊपर भी अभी मैंने कोई हेडर नहीं दिया हुआ, लेकिन फुटर पे मैंने नाम चेंज कर दिया पी के, यहाँ पे हमारे पास चेंज हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जो भी चेंज करना चाहूँ मैं हेडर फुटर को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मल्टीपल हेडर फुटर डालें कि डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। करना क्या होगा, जहाँ भी आप होंगे वहाँ पे जाके आप सेशन को ब्रेक कर दें, इसको इस डॉक्यूमेंट को सेशन में ब्रेक कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो करनी है आपको, यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस कर लेना है। तो यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस में क्या होगा कि ये वाला सेशन उससे ब्रेक हो जाएगा, और अगर आपने मल्टीपल हेडर फुटर डाल लें तो उसमें आप मूव भी कर सकते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस से, ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट। तो मल्टीपल हेडर फुटर में मूव करने के लिए आप नेक्स्ट और प्रीवियस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सारे टेक्निकल ऑप्शंस हो गए हमारे पास इन सब चीज़ों के। एक और चीज़ टेक्निकल ऑप्शन देखते हैं, वो क्या है, पेज नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर डालने को आता है कि पेज नंबर टॉप पे डालना है, मिडल पे आपको डालना है, आपको कहाँ पे डालना है, सेंटर पे, लेफ्ट साइड पर है, सेंटर पे, राइट पर है। इसी तरह आप स्क्रॉल करें तो ये मुख्तलिफ किस्म के लेआउट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर के। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और बॉटम का भी इसी तरीके से आ रहा है। मैंने कहा यार एक काम करो कि बॉटम ऑफ पेज पे जाओ और यहाँ पे ये क्लिक कर लो पेज वन, ठीक है। तो अभी देखिएगा, पहले यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है और इसको भी लिंक टू प्रीवियस से मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने हेडर को हटाया था, फुटर को नहीं हटाया था। तो ये एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि आपको हेडर को भी लिंक टू प्रीवियस से हटा देना है और फुटर को भी लिंक टू प्रीवियस से हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपल इसको मिटा भी सकता हूँ कि फुटर रिमूव फुटर, ठीक है। तो ये मेरे पास लिंक हुआ हुआ था, मैंने यहाँ भी हेडर अलग डाल लिया, यहाँ पे कुछ नहीं डाला, यहाँ का फुटर कुछ भी नहीं है, यहाँ के फुटर के ऊपर मैंने पेज नंबर डाला। एक्सट्रीमली हेल्पफुल है अगर आप किताब बना रहे हैं 10-15 पेज के बाद कोई नंबर नहीं डालना चाह रहे ना, कोई ऊपर आप हेडर डालना चाह रहे हैं, और उसके बाद जब आपका कंटेंट स्टार्ट हुआ था आप उसके ऊपर हेडर फुटर डालना चाह रहे हैं, तो ये आ गया। ये पेज नंबर आप देख लें 0123 पेज नंबर डल रहा है यहाँ पे। इफ़ यू आर गिविंग मॉस एग्जाम तो आपसे बोल सकते हैं बहुत सारे काम क्या बोल सकते हैं कि फॉर्मेट पेज नंबर उड़ा दो, उड़ाना चाहें तो उड़ा दें, फॉर्मेट पेज नंबर, इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, ABC 1 2 3 वगैरह, ये सब कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा लिस्टिंग का टॉपिक हमने करा था तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं कि आप स्टार्ट करो 10 से 11 से, वो भी कर सकते हैं। तो ये सेशन वाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होगा तो हमने होम में जब हमने लिस्टिंग का टॉपिक करा था तो उसके अंदर ये सब चीज़ें डिफाइन करेंगी। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी यहाँ पर डिफाइन होंगी। डिज़ाइन में जाने के बाद पेज नंबर डालना टॉप पे जो कि हेडर है, फुटर पे डालना, और ये सारे लेआउट्स आ रहे हैं इनको ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ना होने के रवा इस्तेमाल होती है, वो ये आती है कि ये आप राइट साइड पे लेफ्ट के मार्जिन भी डाल सकते हैं। अगर आपने क्लिक करा यहाँ पे SN बार राइट तो ये यहाँ पे मेरे पास आ गया, क्लियर है। तो कहने का मकसद ये आ रहा है कि आपको डालना कहाँ पर है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे तो नहीं डालते, हम इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो मैंने कहा कि पेज नंबर पे जाता हूँ और रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ
और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से पेज नंबर डालता हूँ। अच्छा, पेज नंबर डालने के अलावा मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ इधर, और पेज नंबर के डालने के बाद मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है आपके पास करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपका कर्सर मौजूद होगा उसी जगह के ऊपर ये डालेगा। तो मैं करंट पोजीशन पे डालता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिस वन। तो ये देखिएगा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप करंट पोजीशन पे कोई भी चीज़ डालना चाहें वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि पेज नंबर डालना, पेज नंबर मार्जिन वाइज डालना, पोजीशन वाइज डालना, इसका पेज नंबर चेंज कर लेना, इसका स्टाइल, काउंटिंग स्टाइल, स्टार्टिंग टाइम वगैरह, जहाँ से स्टार्ट हो वो नंबर रिमूव कर लेना, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें थी वो सारी टेक्निकल ऑप्शंस थे। ठीक है, सारे ऑप्शंस टेक्निकल ऑप्शंस थे। अब थोड़े कुछ डिज़ाइनिंग वाले ऑप्शंस पर आ जाते हैं कि जब आप हेडर फुटर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या क्या डाल सकते हैं, आप डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, ऑथर का नाम, फर्स्ट नेम वगैरह डाल सकते हैं, कोई पार्ट बनी हुई चीज़ें डालना चाहे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की वो डाल सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स मैंने आपको डाल के दिखाई, ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप जो भी करना चाहें वो आप सब चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वो क्या है कि भैया आप एक काम ये भी कर सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई आ रही हैं वो आप डालें, आप इंसर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, जो भी चीज़, जो भी एलिमेंट आप डालना चाहें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा शेप, शेप के अंदर मैंने कहा कि भाई ये क्लाउड बना दो, ठीक है, और राइट क्लिक करके मैंने इसको ऐड टेक्स्ट करा और मैंने यहाँ पे कर दिया क्लाउड। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ, कुछ भी चेंज करना चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ, मैंने क्लिक कर लिया। अब आप ये देखिएगा, ये सब जगहों पे आ रहा है। तो इन शॉर्ट के आप कोई जिस तरह नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे आप काम करते हैं वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल हो, क्योंकि हेडर फुटर पे जब हम कंटेंट डालते हैं नॉर्मली वो एक लोगो होता है, तस्वीर हो गई, पेज नंबर्स हो गए, टाइटल्स हो गए, डॉक्यूमेंट टाइटल्स हो गए, ऑथर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम जो है ना नॉर्मली हम डाल रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास सेशन हेडर एंड फुटर का। दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि आपको उसमें करना क्या है, दो तरीके, मैनुअल तरीके से डालना, इसके अलावा आपके पास प्रीसेट्स के तरीके से डालना, फिर इसके अलावा जब आपने हेडर फुटर को अप्लाई कर लिया तो हेडर फुटर्स का साइज़ चेंज करना, इसके अलावा इसके डिफरेंस पेजेस पहले पेज पे अलग और बाकी पे अलग डालने के लिए अब ये इस्तेमाल करते हैं, बाकी ऑड एंड इवन पेजेस करने के लिए 135 और 2468, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट भी आ रहा है जिसमें आप सिर्फ काम करते हो हेडर फुटर के ऊपर, अगर आप ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट नज़र ना आए और आपका फोकस सिर्फ हेडर फुटर पर हो तो आप ये भी कर सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा अगर मल्टीपल हेडर फुटर डालना है तो सेशन में ब्रेक करना आपने सीख लिया, फिर इसके अलावा मल्टीपल सेशंस में काम करा हुआ है तो मल्टीपल हेडर फुटर डाले हुए तो उसमें प्रीवियस टेक्स्ट करना, गो टू हेडर फुटर कर लेना, इसके अलावा आपने एलिमेंट्स कंटेंट्स के एलिमेंट्स डालने इंसर्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं और से भी डालना चाहें वो भी सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।